ये टेबल का हालत देख ट्राई कर लूंगी। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ ठीक ठाक, बिंदास एज यूजुअल। आज बाहर हो रहा है जोर शोर से बारिश और बहुत कुछ क्लीनिंग का काम था जो पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि बारिश के वजह से बाहर जाके मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी। तो अंदर में जितना भी काम है वो अभी मैं फिलहाल कंप्लीट कर लूंगी। और अभी बेड को ठीक करना है। हम लोग सुबह सुबह आज नींद से उठ गए थे तो बेड अभी बहुत थोड़ा सा ही बस इधर उधर है जिसको मुझे ठीक करना है। और बाहर कैसे बारिश हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए विंडो को ओपन कर लेते हैं। अभी घर में देखिए कितना सारा डॉल आ गए हैं, 1 2 3 अभी ये भी बिस्तर पे ही है, 4 और उधर ड्रेसिंग टेबल पे है 1 स्माइली पा। कभी रात को एसी नहीं ऑन कर रहे हैं क्योंकि मेरा गला बहुत दिन से खराब है और ये ठीक ही नहीं हो रहा है। बार बार मैं बाहर जा रही हूँ और बाहर जाके ठंडा पानी पी रही हूँ और उसके वजह से मेरा गला खराब होते जा रहे है। तो बहुत दर्द हो रहा है गले में, बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है इसीलिए। करना है उधर बहुत ही धूल जमा हो गया है पूरा वॉल में जो मुझे क्लीन करना है। पहले नीचे का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, लंच बना लेती हूँ, उसके बाद जाएंगे ऊपर का क्लीनिंग करने के लिए। अभी बेड का हालत दिन ब दिन बहुत ही बदतर से और भी बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि मिनी जो है ना जब भी डायपर्स पहन के नहीं रहती है तब भी इधर सुसु कर देती है और बाहर तो धूप नहीं है अभी कि सूखने दे दे। तो इसके लिए बहुत ही खराब सिचुएशन है अभी हमारा घर का। सारे डब्बा, ये जो ब्लू कलर का डब्बा देख रहे हो इधर 1 2 2 ही है फिलहाल, ये मैंने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के लिए खरीदा है और सच मानिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अलग अलग बास्केट में अगर सारा कुछ अरेंज करके रख दिया जाता है तो एक चीज लेने की वजह से दूसरा चीज जो गिर जाता है उस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है। जो अभी तक 2-4 ऑलरेडी मैंने वार्डरोब में रख दिया है और अभी ये 2 बाकी है, इसको भी ऑर्गेनाइज करना है। और ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस है जो मैं मेंबरशिप के लिए यूज करती हूँ। ये मैंने एक नया ब्लाउज खरीदा था, आप लोगों को साड़ी ब्लाउज पसंद बहुत पसंद है इसलिए ही है खरीदा। और इसमें है मेरा सारा जीन्स एंड टॉप जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। तो फिलहाल के लिए ऐसे ही रख देती हूँ, जब सेट कर पाएंगे तब करेंगे। बस निकल के
लेके आ गया, तो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को मैंने खरीदा है छतरी रेड एंड येलो कलर में। जो पूजा के टाइम पे बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है वो पूरा पूजा में बारिश होने वाला है। सो अच्छे कपड़े से ज्यादा जरूरत था ये छतरी का, जो मैंने खरीद लिया है। कुछ कपड़े जो मैंने वॉश किया था सूख भी गया था और इधर लाके रख दिए थे कल रात को, अभी ये काम भी सुबह ही करना पड़ता है। अगर एक दिन मैं थोड़ा सा लेजी हो जाती हूँ ना, तो दूसरा दिन इतना ज्यादा काम आ जाते हैं सर पे कि संभाल ही नहीं पाती हूँ। तो एक दिन लेजी होना मतलब दूसरे दिन का प्रॉब्लम। और ये कल मम्मी के घर से आए हैं। ये टेबल का हालत देखिए एकदम कैसा है, और मोबाइल कितना है हमारे घर में, एक दो, एक दो तीन, अभी एक चार्जिंग पे है चार और दो अभी तक बच्चे देख रहे हैं। मैं तो अभी सोच रही हूँ कि एक मोबाइल का दुकान लेके बैठ जाऊँ तो अच्छा रहेगा, इतना सारा मोबाइल क्या करेंगे घर में रख के। अभी चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ बाहर का क्या सिचुएशन है। बारिश कम हो गया है बट अभी तक हो रहा है। बारिश हो रहा है और यहाँ पर पानी जमा हुआ है। ठंड भी लग रहा है। गाड़ी भी अभी नहा रही है बारिश में। ज्यादा नहीं भीगेंगे, बहुत बारिश हो रहा है बाहर, अगर ज्यादा भीग जाएंगे तो पूजा खराब हो जाएगा। चलिए जल्दी से घर जाते हैं। वो बारिश के टाइम पे खिचड़ी के बिना तो हमारा लंच एकदम अधूरा होता है, तो इसीलिए उसी का प्रिपरेशन अभी चल रहा है किचन में, रेडी नहीं हुआ है, रेडी हो जाएंगे। सो गाइस आज का डे मेरा ऐसा ही है और ऐसा ही चलने वाला है। अगर बारिश थोड़ा सा कम होते हैं तो थोड़ा सा पूजा शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगे, क्योंकि भैया आए हुए हैं। अभी मैं इसके अंदर सारे सब्जी को फ्राई कर लूंगी, पम्पकिन को फ्राई कर रही हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पर राइस चढ़ा दिया है, राइस एंड दाल मिक्स करके। और ये देखिए यहाँ पर बीन्स है, आलू को फ्राई करके ऑलरेडी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो खिचड़ी बनने वाला है। इधर है मछली छोटा छोटा वाला जिसका फ्राई होने वाला है, वो खिचड़ी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने बॉर्डर गलने के लिए छोड़ दिया है। सो आप लोगों को अगर खिचड़ी पसंद है तो मेरे घर में आप लोगों का इनविटेशन रहा, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करें। अभी मैं ऊपर जाने वाली हूँ, फिलहाल इस घर का काम हो गया है, तो उसके लिए मुझे चाहिए ये, जिससे मैं सारा डस्ट को ऐसे क्लीन कर लूंगी। तो चलिए ऊपर चलते हैं।
रहा है, इसके लिए सारे कपड़े को मैंने फैला दिया है अंदर ही। एकदम लग रहा है कि सात कपड़ों का मेला लगा हुआ है कि नहीं। तो चलिए अंदर चलते हैं। इसका तो इस घर का हालत बहुत ही खराब है, देखिए बेड कैसे फैला हुआ है और ऊपर बहुत ही गंदा है। तो ऊपर से नीचे मैं क्लीन करूंगी तो फिर सारा गंदा गिर जाएगा, तो इसीलिए बेड को सबसे पहले हटा लेना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देख लिया कितना सारा धूल जमा हुआ है ऊपर में, तो सब कुछ क्लीन करना है। सोच कर ही मेरा दिमाग एकदम घूम रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। पूजा का पहले तो हम लोग ये सब जरूर क्लीन करते हैं, वैसे हर टाइम ही करते हैं बट पूजा के टाइम स्पेशली ये करना ही होता है। यही राय है कि अगर आप लोग क्लीनिंग कर रहे हो घर का तो टॉप टू बॉटम क्लीन करो, ताकि घर को बार बार क्लीन करना ना पड़े। ये जितना भी गंदा है अभी नीचे गिर जाएगा, और उसके बाद अगर नीचे क्लीन किया तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एक बार बारिश अभी कम हो गया है, सो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि बहुत सारा कपड़े वॉश करके उसको सुखाना था जो नहीं हो पा रहा था अभी तक। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी, एक्चुअल में नया घर में इतना सारा धूल जमा नहीं होता है, कम होता है इसके तुलना में, बट क्या किया जाए, ये एक रेंटेड हाउस है जहाँ पर हम लोग कलर नहीं कर सकते। अदरवाइज़ मुझे बहुत मन था कि अगर घर को थोड़ा सा कलर किया जाता तो बहुत दिखने में भी सुंदर होता और इतना बार बार क्लीन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। रोड साइड घर आने का जितना भी एडवांटेज है उतना डिसएडवांटेज भी है। ये देखिए कितना सारा गंदा निकल रहा है अभी, ये देखिए। और घर रोड साइड हो या फिर अंदर की तरफ हो, अभी तो पूरा हवा में धूल ही धूल होता है। किसी का घर अगर अंदर की तरफ भी होता है उनको भी डस्टिंग करना पड़ता है हर रोज। मैंने क्लीन कर लिया है पूरा ऊपर को, देखिए कितना सारा डस्ट जमा हुआ है इधर, धूल मैला। ऊपर का जितना क्लीनिंग था वो तो हो गया है, बट अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि उधर खिचड़ी बन रहा है जिसको मुझे चेक करना है। चलिए चेक करके फिर लौट। खिचड़ी को चेक करके मैं फिर से आ गई हूँ ऊपर। लगभग 50% बन गया है खाना और 50% बाकी है, और उसके बाद मछली फ्राई भी बाकी है। लेकिन आज यहाँ का बेडशीट मुझे चेंज करना है। पहले तो सोच रही थी बेडशीट को नहीं चेंज करना है क्योंकि बाहर का वेदर जो था बहुत ही क्लाउडी था एंड बारिश हो रहा था, तो उसको धो के सुखाने का जगह नहीं था। लेकिन अभी बारिश कम हो गया है इसीलिए मैं ये बेडशीट को चेंज करके वो जो पुराना वाला बेडशीट है उसको धुलने के लिए दे दूंगी वॉशिंग मशीन में। और ये बेडशीट आप लोग देख रहे हो, ये एक बहुत ही पसंदीदा मेरा बेडशीट है जो मैंने बच्चों के रूम के लिए ही ख़रीदा था। पहले नीचे यूज़ करती थी और अभी मैं ऊपर के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये ऑनलाइन मैंने बहुत बार देखा था, खरीदने के बारे में सोचा भी था, बट फाइनली ये मैंने ऑफलाइन ख़रीदा है। और सच बताऊँ तो ऑफलाइन चीज़ें ना बहुत ही सस्ता होता है ऑनलाइन के तुलना में।
लेकिन हमेशा तो टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को, और हमेशा मार्केट जाना पॉसिबल भी नहीं होता है, इसीलिए कभी कभार मैं नेट से ऑर्डर कर लेती हूँ। लेकिन एक्चुअल में कपड़े अगर लोकल मार्केट से ख़रीदा जाए तो उसका क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छा मिलता है और प्राइस भी कम होता है। हम हाउसवाइफ हमेशा ही घर को क्लीन करते हैं, बट पूजा के पहले जो क्लीनिंग होता है ना, उसका एक अलग मज़ा होता है। घर को अच्छे से सजाना, उसको क्लीन करना, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड करके रखना, नया नया चीज़ें खरीदना, इसका मज़ा कुछ अलग ही होता है, जो पूरा साल हमें नहीं मिलता है बट इस टाइम पे भरपूर मिलता है, जिसके लिए कोई भी एनर्जी अलग से ज़रूरत नहीं होता है। वो जो मन में जो खुशी होता है ना, उसका जो एनर्जी होता है उसी से काम चल जाता है। और ये देखिए बारिश के बाद मेरा गार्डन का क्या हालत है। अभी बारिश कम हो गया है बट थोड़ा थोड़ा अभी तक हो रहा है। ब्रेकफास्ट में और कुछ नहीं बनाया था, बस खिचड़ी ही बना था। मछली का बर्फ अभी तक गला नहीं है, इसीलिए मैंने कर लिया एग फ्राई और उसके साथ खा रही हूँ खिचड़ी। खाने में सच में बहुत ही टेस्टी बना है खिचड़ी। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा गाइस।